इसका एक जेस्चर है, ऐसे ऐसे करती है जब कुछ समझ जाती है, जो भी डायरेक्टर कोई भी कुछ बोल रहा हो ऐसे 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 ऐसे, ओ मेरा है ना। हाँ खुद ही बता अच्छा दो बताओ। ये भी बहुत करता है, अपने आप को देख के, दूसरों को नहीं, अपने आप को मिरर में देख के ऐसे करता है और दूसरों को भी करता है। तू Tele Reporter did a super entertaining segment with TV serial Bhagyalakshmi stars Rohit and Aishwarya. Watch this fun segment to know about their first meeting and much more. First meeting with each other. My first meeting with Aishwarya was very nice. Where बोल दूँ जो बोला था? जब मेरी मुलाकात पहली बार हुई ऐश्वर्या से, so ऐश्वर्या ने मुझसे कहा कि I have seen you पहले, I have seen your work, I have seen you on TV, but you've gained weight ना, and this was just right before our mock shoot, and I lost my hope there only कि भाई अभी तो mock shoot करना था, उससे पहले ही बोल दिया, so ऐसे मेरा confidence नीचे आ गया था, but हाँ इन्हें क्या पता, confidence नीचे नहीं आया, वो तो कभी नहीं आएगा, confidence नीचे आ ही नहीं सकता, बताइए, but हाँ ये थी हमारी first meet and ये इतना इतना मैंने इसको देख के एक्चुअली वेट गेन वाली बात बाद में सोची थी, पहले मैंने इसको देखा था और मैंने सोचा था ये कितना गोरा है इसको थर्माकोल की जरूरत नहीं है, थर्माकोल करता है तो ये मेरा फर्स्ट थॉट था रोहित को लेके, बट हाँ ये हमारी पहली मीट। व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ईच अदर? ठीक है नहीं काफी अच्छा काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन था एंड मतलब आकांक्षा जमा क्रिएटिव उन्होंने हमें मुझे बताया था कि लक्ष्मी का मतलब ऑडिशन मुझसे पहले एक्चुअली दे चुकी थी मॉक टेस्ट एंड आई थिंक परफेक्ट फॉर लक्ष्मी कैरेक्टर, शी लुक्स परफेक्ट भाई, बहुत भोली भाली सी दिखती है, सो आई थिंक या यही इम्प्रेशन था दैट आई थिंक हो जाएगी सिलेक्ट। कोई इम्प्रेशन नहीं था, मैं बताती हूँ आपको इसका कोई इम्प्रेशन ही नहीं था, इसने बस हाय आई एम रोहित, हाय आई एम ऐश्वर्या, बस इतनी ही बात हुई थी आई थिंक, और मैंने इनिशिएट किया था, मैंने आई थिंक सेकंड चीज़ यही बोली थी दैट आई हैव सीन यू ऑन टीवी एंड आई वाज ट्राइंग टू मेक कॉन्वर्सेशन, बट उससे आगे कोई कॉन्वर्सेशन इसके तरफ से कुछ नहीं। अब तो किसी इंसान को मोटा बुला रहे हो तो उसके बाद वो क्या ही बोलेगा तो बस इतनी बात हुई थी, हमने मॉक शूट किया एंड देन फर्स्ट टाइम यू फेल्ट योर फ्रेंडशिप वाज एक्चुअली ग्रोइंग? नो और हम सब बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत कुछ लोग आउट ग्रो कर गए फैमिली जैसे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वन थिंग यू फाइंड इरिटेटिंग अबाउट ईच अदर? ये सेट पे अपना फोन लेके आ जाती है और पूरे टाइम फोन पे रहती है, शॉर्टकट होता है फोन यूज करती है, सर सीन समझा रहे फोन यूज करती रहती है, मतलब इट्स नॉट नाइस आई थिंक, ये एक हैबिट इसकी बहुत गंदी है और ये रोती बहुत है, इमोशनल है, तो ये भी एक गंदी हैबिट है, गलत जगह पे इमोशनल हो जाती है। बताइए दो से ज्यादा नहीं, मैंने दो बोली ये एक्चुअली रोहित की बहुत सारी इरिटेटिंग चीजें हैं जो हम सब हैंडल करते हैं, नॉट जस्ट मी। एक तो मैं ही बता देता हूँ, मुझे फोन में झांकने की बड़ी आदत है। मैं तो बल्कि ट्राई करती हूँ इसके सामने फोन कम यूज करूँ, क्योंकि मेरे फोन में देखता है बहुत, सबके फोन में देखता है एक्चुअली, सबके फोन उठा उठा के रोहित दूसरों के फोन लेके उनके पासवर्ड क्रैक करके उसमें कैंडी क्रश डाउनलोड करके खुद खेलने लग जाता है क्योंकि मैं सेट पे फोन नहीं ले जाता हूँ तो एक्चुअली बट ये इरिटेटिंग आदत नहीं है, जो एक्चुअल इरिटेटिंग आदत है वो ये कि ये बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है व्हेन यू आर इन अ सीन और व्हेन यू आर, खैर अब हमें आदत हो गई है हम सबको ही, तो नाउ हम खुद ही हंस के और फिर मूड में वापस आने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड बहुत रहता है और करता भी है सामने वाले को, तो आई थिंक एक वो है जो कभी कभी चीजें। और एक बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हैबिट है कि अगर मैं इम्प्रोवाइज करता हूँ कॉमेडी करने की तो ये हंस देती है, मेरा सीन खराब कर देती है पर मैं बाय द स्क्रिप्ट चलने वाली एक्टर हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा ये जब इम्प्रोवाइज करता है वो भी सीरियस सीन में अगर इम्प्रोवाइज कर देगा और कुछ फनी बोल के चला जाएगा, जैसे डॉक्टर ने बोला कि आपको खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए वो सीरियस सीन चल रहा है, ये बोलेगा चाय पीनी क्यों है कॉफी पिया करो, तो ऑब्वियसली किसी को पिया तो
ये एक्चुअली वन ऑफ हिज इरिटेटिंग हैबिट्स है, ये यही करता है. वन थिंग दैट मेक्स योर कोस्टार स्माइल. माय हरकतें मेक्स हर स्माइल. आई थिंक आई एम द स्माइलिंग एलिमेंट ऑन द सेट. आई मेक पीपल स्माइल एंड ऑल्सो क्राई. यार मुझे इसको हंसाने की जरूरत नहीं पड़ती, हंसता रहता है प्रचुर और दूसरों को हंसाता है, तो ये इतना हंसता है तो बाकी सब सेट पे हंसते रहते हैं. जब ये नहीं होता सेट का माहौल एक्चुअली बहुत लो हो जाता है, बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग एंड देयर इज नो यू नो फन गाय फनी गाय. नेक्स्ट क्वेश्चन. हंसाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही हंसता ही रहता है. Craziest thing you've ever done? हम रोज ही कुछ ना कुछ क्रेजी करते हैं. हम लोगों को झेल रहे हैं. वो क्रेजी थिंग थोड़ी ना है. मेरे लिए तो है. तुम्हें झेल रहे हो. क्या है क्रेजी थिंग? क्या क्या हमने बताओ यार. मुझे तो याद भी नहीं. हमने क्रेजी तो कुछ यार नहीं. यार हम एक्चुअली हम बहुत रोज ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है हमारे साथ. छोटी छोटी चीज है क्रेजी. हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं. क्रेजी हो गया नॉर्मल चीज है. हमने ऐसा कुछ क्रेजी किया नहीं है. वी शुड डू समथिंग क्रेजी टुगेदर. क्रेजी क्या रे? क्रेजी क्या? डिड यू एवर हैव एन एंबैरेसिंग मोमेंट टुगेदर? किसके साथ हुआ है? क्या? वो जब तुम अमन के पीछे भाग रहे थे. कब? जिसका तुमने वीडियो भी डाला था. नहीं सर ने डाला था. अमन के पीछे हमारी पैंट फट गई थी. ओ या हां एक सीन में मैं अमन को मारने के लिए आयुष को मारने के लिए भाग रहा हूं और एकदम से करके आवाज आती है और मैं नीचे देखता हूँ मेरा पूरा वो पूरा बैंड फटा हुआ था. एंड या वो रिकॉर्डेड है. सन मुजम्मिल सर जो हमारे डायरेक्टर थे पहले, उन्होंने डाला था अपनी स्टोरी पर. ऐश्वर्या के साथ ऐसे कुछ नहीं हुआ मेरे साथ. मैं मुझे नहीं पता. मैं एम्बैरेस होने नहीं देती अपने आप को. ऑन सेट तो नहीं बना देती एटलीस्ट. एन एक्सप्रेशन और फ्रेज दैट यू यूज द मोस्ट? नहीं ये इसका एक जेस्चर है. ऐसे ऐसे करती है जब कुछ समझ जाती है. जो भी डायरेक्टर कोई भी कुछ बोल रहा हो ऐसे 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 कर पूरे टाइम. ऐश्वर्या रोहित का है? ओ मेरा है ना. हाँ खुद ही बता दो. बताओ. ये भी बहुत करता है अपने आप को देख के, दूसरों को नहीं. अपने आप को मिरर में देख के ऐसे करता है और दूसरों को भी करता है. तू जा चल हट. Something that you've noticed about each other but never let it out? नहीं, हम तो बोल देते हैं. मुंह फट लोग हैं. Who's the biggest prankster? Prankster? हमने pranks किए नहीं ऐसे set पे. बड़ा किया ना होली पे. तुमने ही prank किए. ये ही करता है और रोज करता है और इसको इसलिए नहीं पता क्योंकि ये रोज करता है. ये इसके खून में है. खून में तो मम्मी पापा भी जा रही है. यही करता है. और सिर्फ हम सेट क्रू नहीं, मतलब कास्ट नहीं, क्रू को भी नहीं छोड़ता. एक एक इंसान की टांग खींचना ये इसका बर्थ राइट है ऐसा लगता है. कोई बुरा भी नहीं मानता. भोली शक्ल बना देता है खुद उनके साथ बकवास करके. बकवास करके हां तू भी रियली ऑनेस्ट हो जा. कैसे लगाने कितने कैसे ना ऐसा लग रहा बहुत शांत. मैं एक्चुअली दिखाता शांति हूं मैं. अच्छा थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो बदमाशी निकलेगी. कंप्लीट द फ्रेज. आई एम प्राउड टू हैव यू एज माय को-स्टार बिकॉज़ शी इज अ गुड एक्टर. ओके एंड आई एम अ बेटर एक्टर सो आई एनहांस हर परफॉर्मेंस. ये पता है मैं जब सीन करके आता हूँ ना ऐसे ऐसे करती है. ऐसे ऐसे करती है मेरे सामने. बताओ क्या करती हूँ. बताओ. मैं इनको रोहित क्या बुलाती हूँ. श्री श्री 101008 रोहित शांति सर. आई एम लकी टू हैव. नो शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर. ओके आई मेरी एक्टिंग इसके साथ एक्टिंग करके और अच्छी हो जाती है. I am lucky to have Rohit as a co-actor because he lets me be. वो मुझे अपना काम करने देता है कि तुम अपना करो. In fact जब
जब मैं मूड में होती हूँ तो मुझसे बात भी नहीं करता, और अगर मैं कुछ और किसी और से बात कर रही हूँ, कोई और मुझसे आके बात कर रहा हूँ, तो उनको भी मना कर देता है, मुझे भी मना कर देता है कि मूड में रहे. तो ही हेल्प्स मी ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, जो कि आजकल लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, सब अपना अपने अपने काम से मतलब रखते हैं. तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है. दूसरी चीज़, वेन एवर आई एम वेरी लो, तो जैसे कि मैंने बताया बहुत हंसाता है, तो मेरा मूड लिफ्ट अप कर मेरी शक्ल देख के हंसी आने लगी. हाँ एक्चुअली अब मुझे इसकी शक्ल देख के हंसी आ जाती है, तो खुश रहते हैं हम लोग सेट पे बिकॉज ऑफ रोहित. सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई लाइक. वाओ सो स्वीट, थैंक्स. अ मैसेज फॉर योर फैंस. हम ये कहना चाहेंगे कि ये तो बस शुरुआत है. या yeah. और ये आपका ड्रीम सीक्वेंस हो सकता है लेकिन हमारा नहीं. वी हैड सो मच फन. एक तो वो बारिश में, मुझे बारिश बहुत पसंद है, इसे बिल्कुल yeah. पसंद नहीं है बट मुझे तो बहुत मजा आया. मैं पूरी ओपन अप हो जाती हूँ ऐसे सीन्स में, एंड आई लव डांसिंग इन द रेन, एंड मजा आया हमें वो करके. और हम चाहते हैं कि आगे भी हमें ऐसे बहुत अमेजिंग रश्मि रोमांस सीन्स करने को मिले और आपको देखने को. थैंक यू वाचिंग भाग्यलक्ष्मी. Monday to Saturday 8:30 PM only on ZTV. Thank you.